चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मेरा नाम ताहिर हसन है, मैं कांदले का रहने वाला हूँ और फेरी का काम करता हूँ 8 साल से। पहले कांदला में काम करते थे या लोनी में ही शुरुआत? लोनी में शुरुआत करी। लॉकडाउन में काम की क्या हालात हुई? लॉकडाउन में तो बंद था काम। हाँ बंद तो था, लेकिन क्या कभी कोशिश की बाहर जाने की? ना, डर लगे था जी। किस चीज़ का डर था? पुलिस वालों का, पीटने का। सो की तो इसकी खरीद होगी वहाँ से, 5 का गत्ता, 1 की पन्नी और किराया भाड़ा। मतलब टोटल कितने का पड़ जाए? टोटल पड़ जाए 115-120 रुपए का। अच्छा, अभी कितने का बिक जाए? 150 का। कुल कितनी बचत हो एक कपड़े में? इसमें आ जाए 30-35 की बस। यहाँ का खर्चा पानी काट के 10,000 रुपये बच जाए, उसमें से घर का खर्चा है अलग, 5-6 हज़ार रुपये का जो घर का खर्चा है वो अलग है। परिवार का पालन पोषण कैसे किया लॉकडाउन में? जो जमा पूंजी थी बस वह चली कुछ दिन तक, जब खत्म होगी मजबूरी में फिर घर से निकले, 10-12 दिन फेरी करी। हम कपड़े का काम करता था, मेरा घर वाला 4 साल मारे को हो गए। कैसे हुई थी उनकी मौत? उनकी मौत जैसा फेरी का काम करते थे जी। भाई वहीं से फेरी पे बीमार हो गए जी। बीमार होते होते बुखार में ही फेफड़े खराब हो गए जी। उनका इंतकाल हो गया। आपके पति कब से फेरी का काम कर रहे थे? मेरे पति ने तो कम से कम 15 साल फेरी किया। दिन में कितना कमा लेते थे? बस नु 10-15 हज़ार रुपये कमा लगता था वो महीने में। अब मैं अपने बच्चों को मजदूरी करती हूँ और खुवाती हूँ। किस चीज़ की मजदूरी करती? कबाड़े की। मेरे परिवार में 8 बच्चे हैं मेरे पास, जितना कबाड़ा बीनते हैं शाम को उतना ही बेच के अपने बच्चों का राशन लेती हूँ। लगभग दिन में कितने कमा लेते हो? 200-250-300, बस इतना अपना हद हो जाए उतने का ही सामान ले आते हैं। आपके घर कैसे? हमारे घर भैया कच्चे ही है हमारे घर। बरसात में अब सरकार को क्या बता दें, जैसे हम दिन करते हैं अगर 3-3 दिन की बारिश होगी हम लोगों को ऐसा पता हमारे कपड़े लत्ते सब भीग जाओ। हम लोगों को कहाँ खावे, कहाँ बनाओ, कहाँ लौटा, कहाँ बैठे, हमारी तो सारी ज़िंदगी खराब है।